इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आर्म्स एक्ट मामले में। जोधपुर ग्रामीण कोर्ट में अभिनेता सलमान खान का बयान पूरा हुआ है। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान ने अपना बयान दर्ज कराया है। सलमान ने सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सफाई भी दी है अपनी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे सलमान खान का, क्योंकि बयान पूरा हो गया है, कौन से आरोप हैं जिनको उन्होंने नकारा है? नेहा, ये पूरा मामला आर्म्स एक्ट का है, जिसके तहत सलमान पर मुख्य रूप से ये आरोप लगा था कि उन्होंने फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जिन काले हिरणों का शिकार किया था, उन शिकारों को अवधि पार लाइसेंस वाले हथियार, यानी कि वो हथियार जिनके लाइसेंस पूरे हो चुके थे, जिनकी अवधि खत्म हो चुकी थी, उनका इस्तेमाल किया। आज तकरीबन 10:45 बजे सलमान एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट पहुंचे और वहां जब वो अदालत में पहुंचे तो सबसे पहले जज ने उनको एक रजिस्टर दिया जिसमें सलमान की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्हें साइन करने होते हैं। सलमान ने साइन किए और उसके बाद जज ने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ आर्म्स एक्ट का ये मामला इन धाराओं में है, इस मामले में आपको क्या कहना है। सलमान ने जज की बात पूरी होते ही साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में झूठा फंसाया गया है और वन विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके खिलाफ ये मुकदमा तैयार किया गया है। वो सारे आरोपों को सिरे से। ये कौन सा मामला है मनीष, शिकार का मामला है या अवधि से ज्यादा वक्त के लिए बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने का मामला? देहा, ये मामला आर्म्स एक्ट का, यानी कि उन हथियारों के इस्तेमाल का है जिनके लाइसेंस खत्म हो चुके थे, और उसी मामले की सुनवाई थी। लेकिन सलमान ने साफ तौर पर कहा कि ये मुकदमा ही झूठा है, उन्होंने ना कोई शिकार किया ना ही उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल किया, केवल पुलिस और वन विभाग के लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए ये मुकदमा दायर कराया है और वो सभी आरोपों को सिरे से नकारते हैं। इस पर जज ने सलमान से पूछा कि क्या वो अपने बचाव में कोई गवाह या सबूत पेश करना चाहेंगे, तो सलमान ने कहा वो अपने डिफेंस में कुछ सबूत पेश करना चाहेंगे। इस पर जज ने 4 मई अगली तारीख दी है जिस पर सलमान की ओर से जो डिफेंस की बात कही गई है, जिन गवाहों का सलमान ने जिक्र किया है या जो दस्तावेज वो पेश करना चाहते हैं अपने वकील के जरिए, वो इस मामले में अब 4 मई को इसी अदालत में पेश किए जाएंगे। नेहा जी, मनीष शर्मा हमें जानकारी देते हुए। अवैध हथियारों के मामले में आज सुनवाई के दौरान अभियुक्त के बयान लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा कि जो भी वन विभाग में पुलिस ने कार्रवाई की है वे झूठी है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, और ये भी कहा कि मैं इस मामले में अपनी तरफ से डिफेंस में गवाह पेश करना चाहता हूं। अब इस प्रकरण में चूंकि रिविजन हो रखी है सेशन कोर्ट में, इसलिए सीजेएम कोर्ट ने इस मुकदमे की डेट 4 मई को फिक्स की है। 4 मई को सेशन कोर्ट के आदेश के अनुसार आगामी कार्रवाई होगी। और दूसरा मुकदमा जो हिरणों के शिकार के मामले में है, उसमें आज ललित बोड़ा अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उनकी तरफ से यह बताया गया कि ट्रेन चूक जाने के कारण वो नहीं आए। हमने भी कोई आपत्ति नहीं की। इस पर 2 मई को उसके बयानों के लिए डेट फिक्स की है, उस दिन हम अगर गवाह आएगा तो हम जीरे करेंगे। 4 मई को क्या सलमान आएंगे? वो तो उस दिन देखेंगे। वैसे पर्सनल उसकी अपीयरेंस की अब कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल। हाँ, मुलजिम के बयान हो गए। एक बार दोबारा बता दीजिए कि सलमान ने प्रिसाइसली क्या कहा अपने डिफेंस में? सलमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और वन विभाग ने जो कार्रवाई की है, 4 गांवों ने जो बयान दिए उस संबंध में, वो सारी कार्रवाई झूठी है, और ये भी कहा कि उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया, इसमें इसको झूठा इन्वॉल्व किया गया है, और ये भी कहा कि वह अपने डिफेंस में कुछ गवाह पेश करना चाहता है। तो अब अगली तारीख को क्या वो जो आप सलमान ने आज जो बात कही है उसके मुताबिक अपनी ओर से गवाह या दस्तावेज या ये डिपेंड करेगा। हमने सेशन कोर्ट में एक रिवीजन फाइल कर रखी है और जैसे ही सेशन कोर्ट से रिवीजन हमारी डिसाइड होगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई तय होगी।